So guys, welcome back to my channel. My name is Gerard and you are watching Gerard Gomes. So today I have come to La Mesa Citroen which is situated at Park Street, Kolkata. So agar aapko koi bhi aapka favorite Citroen ka gaadi check out karna hai, aap ye showroom pe zarur aa sakte ho. So guys, right in front of us is the all new Citroen C3 Aircross. और आप लोगों को पता है दिस इज दी मतलब लॉन्गर वर्जन ऑफ दी C3. ये 7 सीटर में ये पर्टिकुलर गाड़ी है गाइस, ये 5 सीटर में भी अवेलेबल है और ये एकदम टॉप वेरिएंट है जो कि आपका मैक्स वेरिएंट जो ये लोग बोलते हैं. एंड दिस कम्स इन ओनली वन इंजन गाइस, विच इज द 1.2 लीटर प्योर टेक टर्बो इंजन. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द कार गाइस, मैं आपको की दिखा देना चाहता हूँ. सो दिस इज द की विच यू गेट. सिट्रोएन का क्लासिक की है, यहाँ पर आपको 2 चाबी मिलता है एंड सेकंड की में आपको कोई बटन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फर्स्ट की में बटन मिलता है. सिट्रोएन का लोगो आपको यहाँ पर मिलता है एंड यहाँ पर आपको 2 बटन मिलता है टू लॉक एंड अनलॉक योर कार. इस गाड़ी में आपको कोई पैसिव एंट्री नहीं मिलेगा बिकॉज दिस कार डजंट हैव पुश बटन स्टार्ट. सो अभी थोड़ा DRL ऑन करते हैं गाइस और फिर बात करते हैं एक्सटीरियर के बारे में. सो की मैं अंदर डाल देता हूँ यहाँ पर एंड इसका इंडिकेटर भी ऑन कर देता हूँ एक बार. सो टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द कार गाइस, सामने से शुरू करते हैं. सो सामने एज यू ऑल नो सिट्रोएन C3 में जैसे आपको यहाँ पर DRL मिलता था, सेम है एज यू कैन सी. सो यू गेट द DRL ओवर हियर, एक्स टाइप पैटर्न में आपको मिलता है. यू गेट योर टर्न इंडिकेटर्स इन हैलोजन. हेडलाइट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, हेडलाइट्स आपको रिफ्लेक्टर सेटअप में मिलता है, दोनों हाई बीम और लो बीम आपको हैलोजन में मिलता है. लोअर पार्ट ऑफ द बंपर में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये मैट ग्रे में टेक्सचर मिल जाता है एंड सिट्रोएन का जो लोगो है दिस इज इन पार्ट क्रोम एंड इन ब्लैक कलर. सो दिस लुक्स रियली नाइस. और सामने का जो ग्रिल है दिस इज फुली इन मैट ब्लैक, सो लुक्स वेरी वेरी नाइस. सो सॉरी गाइस, थोड़ा मतलब डिस्टेंस कम है इसलिए मैं आपको इसी तरह दिखा रहा हूँ, बट ओवरऑल ग्रिल का जो लुक है आप एक बार इस साइड से देख लीजिए, इट लुक्स रियली रियली नाइस. सो सामने से द रोड प्रेजेंस ऑफ द C3 Aircross इज रियली रियली गुड. कमिंग टू द साइड ऑफ द कार गाइस, आपको व्हील क्लाइडिंग मिलता है. टॉकिंग अबाउट द व्हील्स, आपको यहाँ पर डायमंड का ट्रीटमेंट मिलेगा ऑन योर व्हील्स. अंदर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है एंड इस टायर का जो प्रोफाइल है दैट इज 215/60R17. सो 17 इंच का टायर आपको मिलता है, 215 आपका सेक्शन है. ABS, EBD आर ऑब्वियसली स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स एंड सस्पेंशन ट्रैवल इज मोर देन इनफ फॉर योर नीड्स. यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर ORVMs बॉडी कलर में मिलता है. यू गेट टर्न इंडिकेटर्स ओवर हियर और ये टर्न इंडिकेटर्स आपका हैलोजन में है, आपको रिफ्लेक्टर मतलब LED आपको नहीं मिलेगा. एंड टॉकिंग अबाउट द बेल्ट लाइन ऑफ दिस कार गाइस, ये आपका मैट ब्लैक में है. बी पिलर भी आपको मैट ब्लैक में मिलता है. ऊपर आपको ये रूफ रेल मिलता है बट दिस इज ओनली फॉर शो, या ये फंक्शनल नहीं है एंड ऑब्वियसली इसमें आपको कोई सनरूफ नहीं मिलेगा. पीछे आपको एक शार्क फिन एंटेना मिल जाता है फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक. यहाँ पर डोर्स अगर मैं बात करूँ आपको वो पुल टाइप नहीं मिलेगा, कन्वेंशनल डोर हैंडल्स आपको मिलता है एंड यहाँ पर आपको की होल मिल जाता है. साइड में थोड़ा सा बॉडी क्लाइडिंग आपको मिलता है एज यू कैन सी. टॉकिंग अबाउट द रियर व्हील्स गाइस, रियर व्हील्स में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है. टायर का प्रोफाइल सेम है. इसका जो एलॉय का जो डिजाइन है ना, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस इन माय ओपिनियन, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एलॉयज. कमिंग टू द रियर सेक्शन ऑफ द कार गाइस, यहाँ पर टेल लैंप्स जो है आपको फुल हैलोजन सेटअप में मिलता है. सो आपका ब्रेक लाइट, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट और आपका पार्किंग लाइट सब आपको हैलोजन में मिलेगा. ये आपका ये ग्लॉस ब्लैक हाउसिंग में आपको मिलता है. यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक यहाँ पर ये स्ट्रिप मिल जाता है, लुक्स रियली नाइस. सिट्रोएन का बैजिंग है यहाँ पर. पीछे आपको यहाँ पर वाइपर मिलेगा अलॉन्ग विद डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड ऑब्वियसली आपको वॉशर मिल जाएगा. पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलता है गाइस, वन इज ओवर हियर एंड वन ऑन दी अदर साइड. प्योर टेक का बैजिंग है यहाँ पर एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आपका यहाँ पर प्लेस किया हुआ है. सो पीछे से द C3 Aircross लुक्स वेरी नाइस. C5 Aircross का तरह ही थोड़ा सा दिखता है, सो इट लुक्स रियली गुड. अभी करते हैं बूट ओपन गाइस. सो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर मिल जाता है. सो टॉकिंग अबाउट द बूट गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये 7 सीटर वर्जन है और आप देख सकते हो यहाँ पर ज्यादा आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है इफ यू फोल्ड ऑल द सीट्स अप. यहाँ पर छोटा सा कुछ आपका बैक फिट हो जाएगा बट जो हाईलाइट पॉइंट है इस गाड़ी का वो है कि आपका जो ये जो सीट है पीछे पीछे का ये आप ओपन कर सकते हो. एज यू कैन सी आप यहाँ से इसको ओपन करके भी आप देख सकते हो. एज यू कैन सी यू कैन पिकअप द सीट्स और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो बूट स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दोनों सीट्स आप ऐसे खोल सकते हो. सो दिस इज वॉट Citroen calls as Flexi Pro, मतलब ये 5+2 configuration का सीट है एंड इसको आप फिर से प्लेस में ला सकते हो. As you can see, this is the function. So चलिए guys, अभी करते हैं बूट बंद एंड लेट्स गो टू द मिडिल रो सीट. सो मिडिल रो सीट आप यहाँ से भी जा सकते हो, उस साइड से भी जा सकते हो. सो टॉकिंग अबाउट द रियर डोर गाइज, यहाँ पर आपको डुअल फिनिश मिलता है. यहाँ पर आपको ये फैब्रिक फिनिश मिलता है, फिनिश्ड इन व्हाइट कलर, दिस इज इन ब्लैक. डोर हैंडल्स आपको क्रोम पे मिलते हैं. यू गेट योर स्पीकर प्लेसमेंट ओवर हियर, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर आपको मिलता है. पावर विंडो का स्विच आपको बीच में मिलेगा गाइस ओवर देयर. टॉक अबाउट द सीट्स, आपको फुल लेदरेट फिनिश मिलेगा. यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक दिया हुआ है. यू गेट 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बीच वाला हेडरेस्ट आपका नॉन एडजस्टेबल है. यहाँ पर ऑब्वियसली आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट आपको मिलेगा. सो चलिए गाइस अभी बैठते हैं अंदर एंड लेट्स क्लोज द डोर
सो टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर गाइस, एक बार ये बंद कर देते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर गाइस, ये सीट आप देख सकते हो पुश्ड ऑल द वे फॉरवर्ड एंड लेग रूम इज एब्सोल्युटली ग्रेट। आप देख सकते हो कोई भी उसमें शक नहीं है। पीछे आपको यहाँ पर बैक पॉकेट मिलता है ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर एसी वेंट आपको ऊपर मिलता है एज यू कैन सी, एंड अ नाइस अटेंशन टू डिटेल इज दिस गाइस। सो यहाँ पर आपको ये सिट्रोएन का डिजाइन में है, ये एसी वेंट आपको मिलता है। ब्लोअर कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाता है फिनिश्ड इन हैलोजन एज यू कैन सी। एंड ओवरऑल अंडर आई सपोर्ट इज रियली गुड, वेरी वेरी कंफर्टेबल। C3 ऑब्वियसली सिट्रोएन C3 भी कंफर्टेबल था, ये भी कंफर्टेबल ही होगा, कोई भी उसमें शक नहीं है। टॉक अबाउट द विड्थ ऑफ द कार गाइस, 3 पीपल कैन एब्सोल्युटली सीट इन दिस कार कंफर्टेबली, कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसमें। सिर्फ बीच वाला पैसेंजर जो है उसके लिए कोई एडजस्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा हेडरेस्ट में। टॉक अबाउट द हेडरूम ऑफ दिस कार गाइस, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। हेडरूम इज रियली गुड, आप देख सकते हो मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है एंड आई हैव एब्सोल्युटली नॉट एनी प्रॉब्लम सिटिंग ओवर हियर। सो अगर आपका हाइट मोर देन 6 फीट भी है फिर भी आपको कोई इस गाड़ी में दिक्कत नहीं होगा। सो अभी चलते हैं गाइस एकदम रियर सीट पे जो थर्ड रो सीट है। सो वहां पर कैसे जाता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ पर आपको वन टच अम्ब्रेल मिलता है, सो यू कैन गो टू द रियर सीट ओनली फ्रॉम दिस साइड। सो इसको पुल करेंगे सो आपका ये सीट ऊपर चले जाता है। सो चलिए गाइस अभी बैठते हैं अंदर। सो लेट्स सिट इन द दिस रो सीट और इसको करते हैं पीछे। सो गाइस आई एम टोटली क्रैम्ड बैक हियर, आप देख सकते हो मुझे इतना मुझे कुछ भी लेग रूम नहीं मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट, आप देख सकते हो आई एम सिटिंग इन अ नी हाई पोजीशन। सो एक चीज जो मैं बोलूंगा, अगर आपके फैमिली में किड्स है देन ओनली यू कैन सिट हियर, कोई एडल्ट यहाँ पर बैठने में दिक्कत होगा। बट यहाँ पर आपको डुअल यूएसबी टाइप ए का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यू गेट अ बॉटल होल्डर ओवर हियर एंड यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, यू कैन हैंग थिंग्स ओवर हियर। सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी इट इज गुड, बट एडल्ट स्पेस के मामले में है इस यहाँ पर आप नहीं बैठ सकते हो गाइज, दिस इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर किड्स। सो चलिए गाइज अभी चलते एकदम सामने जो कि एकदम ड्राइवर सीट है। सो क्या क्या आपको मिल जाता है मैं अभी जाके आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रंट डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइज, अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डुअल पैटर्न मिलता है, दिस इज इन ब्लैक। यहाँ पर आपको फैब्रिक में व्हाइट टेक्सचर मिल जाता है। पावर विंडो का स्विच आपको यहाँ पर मिलता है। डोर हैंडल्स आर फिनिश्ड इन सैटिन क्रोम। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बॉटल होल्डर मिलता है एंड यू गेट अ स्पीकर प्लेसमेंट ओवर हियर। टॉकिंग अबाउट द सीट्स, ये जो पार्ट है दिस इज फुली इन लेदरेट, ये थोड़ा फैब्रिक फिनिश है। यहाँ पर आपको डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, यू गेट अ सीट हाइट एडजस्ट ओवर हियर, बैकरेस्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो एंड आपको लीवर मिल जाता है टू पुश द सीट फ्रंट एंड बैक। सो यहाँ पर कुछ बटन आपको मिल जाता है गाइस। सो दिस इज योर इंजन मतलब ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ऑन ऑफ करने के लिए, दिस इज योर विंडो लॉक स्विच और यहाँ पर आपको ORVMs जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो चलिए गाइस अभी बैठते हैं अंदर एंड लेट्स चेक आउट द इंटीरियर। करते हैं डोर बंद एंड द डोर्स क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड। सो टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ट्रिपल पैटर्न मिलता है। सो ये आपका ब्लैक कलर है, यहाँ पर आपको ये गोल्डन टेक्सचर मिल जाता है, दिस इज इन गोल्डन कलर, ये हार्ड टच ही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पॉकेट मिलता है, आप यहाँ पर अपना पेन ये सब रख सकते हो और ये जो पार्ट है दिस इज फिनिश्ड इन व्हाइट कलर। ग्लव बॉक्स अगर हम लोग चेकआउट करेंगे गाइस, ग्लव बॉक्स इज डीप एज यू कैन सी, वेरी डीप। यहाँ पर आपको कोई कूलिंग फंक्शन नहीं मिलेगा बट ऑब्वियसली आपको स्पेस बहुत सारा मिलता है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। यहाँ पर यू गेट द 10 इंच टचस्क्रीन सिस्टम जो कि आपने ऑलरेडी C3 में देखा है, सेम सिस्टम है, इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। एसी वेंट के बाहर आप देख सकते हो यू गेट दिस ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट। यहाँ पर आपको मैनुअल एसी मिलेगा गाइस, कोई भी वेरिएंट में आपको ऑटो एसी नहीं मिलेगा। ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, या आप कहाँ पर एयर भरना चाहते हो वो आप ये नॉब से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका डिफॉगर का स्विचेस ओवर हियर, आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो एंड दिस इज योर टेम्परेचर स्विच। यहाँ पर आपका हैजर्ड लाइट का स्विच है, यू गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट हियर। यहाँ पर आपको एक यूएसबी टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है, यू गेट अ पॉकेट ओवर हियर, आप अपना फोन यहाँ पर रख सकते हो और यहाँ पर भी अपना फोन आप रख सकते हो। यू गेट डुअल कप होल्डर्स ओवर हियर, यू गेट अ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑन दिस कार। सो एक बार गियर शिफ्ट देख लेते हैं, सो गियर शिफ्ट्स आर प्रीटी गुड, नॉट अ कंप्लेंट रिगार्डिंग दैट। इसका रिवर्स गियर भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो रिवर्स पार्किंग कैमरा एज यू कैन सी ओवर हियर, सो रिवर्स पार्किंग कैमरा इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, नो डाउट अबाउट दैट। एंड या आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलता है गाइस, सो नो एडेप्टिव गाइडलाइंस, बट ओवरऑल कैमरा क्वालिटी इज रियली गुड। करते हैं गियर अभी न्यूट्रल पे एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एक मैनुअल हैंड ब्रेक, यू गेट एन आर्मरेस्ट ओवर हियर एज यू कैन सी, बट ऑब्वियसली कोई स्पेस आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर। ऊपर आपको कोई ऑटो डिमिंग फीचर नहीं मिलेगा, मैनुअल डिमिंग आपको मिलता है। यू गेट अ कैबिन लैंप ओवर हियर फिनिश्ड इन हैलोजन एंड ओवर हियर एज यू कैन सी यू गेट अ मिरर बट नो लाइट एंड ओवर हियर एज यू कैन सी यू गेट अ टिकट होल्डर, नो मिरर एंड नो लाइट। टॉकिंग अबाउट द टचस्क्रीन सिस्टम ओवर हियर गाइस, दिस इज द हाइलाइट पॉइंट ऑफ द C3 एयरक्रॉस, C5 एयरक्रॉस का भी हाइलाइट पॉइंट था गाइस ये, क्योंकि ये जो टच स्क्रीन है ना दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट, आप यहाँ से बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो।
ब्लूटूथ ऑब्वियसली आपको मिलेगा, आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एपल कार प्ले मिलेगा एंड टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हो रियली रियली गुड। सो एज यू कैन सी टच रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली ग्रेट, बहुत कुछ आपको यहाँ पर फंक्शन मिल जाएगा। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड सिस्टम टू यूज, आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील गाइस, स्टीयरिंग व्हील में आपको लेदर फिनिश मिलता है। सो एज यू कैन सी यू गेट लेदर टच ओवर हियर, यहाँ पर आपको बटन मिलेगा टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम और यहाँ पर आपको बटन मिलेगा टू ब्राउज टू दिस ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको वाइपर का कंट्रोल मिलेगा एंड ओवर हियर यू गेट योर हेडलाइट कंट्रोल्स, हेडलाइट आपका हैलोजन में मिलेगा एज यू कैन सी, बट यू कैन अपग्रेड इट टू एलईडीज, नो प्रॉब्लम देयर। अभी बात करते हैं गाइस द हाईलाइट पॉइंट ऑफ दिस कार विच इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो यहाँ पर आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है गाइस, सो दिस इज आउटसाइड टेम्परेचर, यहाँ पर आपको फ्यूल लेवल दिखा रहा है एंड गाड़ी का वार्निंग साइंस आप देख सकते हो प्लेस्ड ऑल ओवर। सो ये जो स्क्रीन है गाइस अभी तो फिलहाल यहाँ पर आपको दिखा रहा है स्पीड इन डिजिटल, सो ये स्क्रीन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिलेगा। सो एज यू कैन सी यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पर अभी आपको ट्रिप ए का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, दिस इज योर ट्रिप बी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, दिस इज योर टैकोमीटर एज यू कैन सी, और आपको स्पीड दिखा रहा है इन डिजिटल, दिस इज योर इको मोड एज यू कैन सी, इको या किस में आप चला रहे हो वो आप यहाँ पर देख सकते हो एंड दिस इज योर स्पीड इन डिजिटल एंड यहाँ पर आपको वो पहला वाला स्क्रीन आपको दिखा रहा है जहां पर आपको स्पीड दिखा रहा है इन डिजिटल एंड यहाँ पर आपका टोटल ओडो रीडिंग। सो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेट मी नो आपको कैसा लगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। टॉक अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ द कार गाइस, आप देख सकते हो आपको सीट हाइट एडजस्ट मिलता है, सो आप सीट मतलब सीट एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हाइट, बट फॉर मी इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट, बोनेट इज इजीली विजिबल फॉर मी, पीछे का भी विजिबिलिटी आप देख सकते हो, विंडशील्ड इज प्रीटी गुड, सो विजिबिलिटी इज रियली गुड एट द बैक एंड इस साइड का भी विजिबिलिटी आप देख सकते हो रियली गुड ऑन दिस साइड एंड ऑन दैट साइड ऑल्सो। एंड और एक चीज गाइज, आपको ट्विटर यहाँ पर मिल जाता है ऑन बोथ साइड एज यू कैन सी। सो गाइज दिस इज माई डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2023 सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस टॉप वेरियंट विच इज द मैक्स वेरियंट। अगर आपको ये इंटीरियर रिव्यू अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। सो गाइज दिस वॉज माई डिटेल रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2023 सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस जो टॉप वेरियंट है एज यू कैन सी एंड दिस इज इन द 7-सीटर कॉन्फिगरेशन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक विच इज द थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो गाइज, क्योंकि ये जो प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है फिलहाल ये जो वेरिएंट है इसका प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बट द प्राइस रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9.99 लाख विच इज द बेस वेरिएंट, इसका भी प्राइस आ जाएगा एंड एज फार एज आई नो सिट्रोएन विल प्राइस इट वेरी एग्रेसिवली। सो ओवरऑल गाइज दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग कार, एकदम बहुत ही प्रोपोर्शनेट लगता है एंड इस प्राइस रेंज में यू आर गेटिंग अ 7-सीटर कार, सो दैट इज वेरी वेरी गुड। सो डू शेयर दिस वीडियो, अगर आपके फैमिली में कोई भी इंटरेस्टेड है देन यू कैन डेफिनेटली कम डाउन टू दिस शोरूम, विजिट कर सकते हो, गाड़ी भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज मी शाइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आई विल डेफिनेटली सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन चाओ।